वालेकुम स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे मजे में होंगे और सेल साइकिल के हवाले से आज हमारा दूसरा लेक्चर है इसमें हम बेसिकली माइटोसिस का जिक्र करेंगे और इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन देखेंगे कैरियोकाइनेसिस के हवाले से तो चलिए चलते हैं आज के लेक्चर पे वार्मली वेलकम टू बायो भी अच्छा तो सबसे पहले हम बात करेंगे माइटोसिस की डेफिनेशन के हवाले से बात यह है कि माइटोसिस एक इस तरह की सेल डिवीजन होती है जिसमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं Uh, वो सेम रखे जाते हैं डॉटर सेल्स में यानी कि जितने नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल में होते हैं डॉटर सेल में या नए बनने वाले सेल्स में उतने ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम रखे जाते हैं फॉर एग्जांपल अगर इंसान के किसी सेल में माइटोसिस हो रही है तो पेरेंट सेल में अगर फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम है तो बनने वाले दोनों डॉटर सेल्स के अंदर फोर्टी सिक्स क्रोमोसोम ही होंगे अच्छा माइटोसिस एक किस तरह की सेल डिवीजन होती है जो एनिमल्स में भी होती है और प्लांट्स में भी होती है माइटोसिस एक ऐसी सेल डिवीजन होती है जो हैप्रॉयड सेल्स में भी होती है और डिप्लॉयड सेल्स में भी होती है फॉर एग्जांपल अगर इंसान की स्किन के सेल्स में जो है वो सेल डिवीजन हो रही है तो डेफिनेटली वो डिप्लॉयड सेल्स हैं और वो माइटोसिस के जरिए जो है वो न्यू सेल्स बनाते हैं इन द सेम वे अगर हम देखें तो जो हनी भी है उसमें जो मेल होते हैं वो जर्नली हैप्रॉयड होते हैं तो उनमें जितनी भी सेल डिवीजन होती है आ, हैप्लोइड ऑर्गेनिज्म है तो जितनी सेल डिवीजन होगी वो वाया माइटोसिस होगी ठीक हो गया अच्छा अब माइटोसिस बेसिकली जो है वो एक ऐसा प्रोसेस होता है जो एक मुसलसल होने वाला प्रोसेस होता है बहुत तेज़ी से ये अमल हो रहा होता है तो हमने इसको अपनी आसानी के लिए दो फेजिज़ में तकसीम किया है एक को हम कहते हैं केरियोकाइनीसिस और एक को हम कहते हैं साइटोकाइनीसिस अच्छा अगर हम ये लफ्ज़ देखें केरियोकाइनीसिस तो ये लफज दो लफ्सों का मजमू है एक है केरियो और एक है काइनेसिस अच्छा ये जो केरियो के लफज सिर्फ इस पर गौर करें तो ये ग्रीक लैंग्वेज का एक लफज था कैरियो जिसका मतलब होता है न्यूक्लियस तो ये उससे ड्राइव है यानी कि इसका यहाँ पर मतलब है न्यूक्लियस और काइनीसिस बेसिकली कहते होते हैं मूवमेंट को ठीक है तो यहाँ पर ओवरऑल जो लफ्सी मतलब निकलता है वो है न्यूक्लियस की मूवमेंट लेकिन माइटोसिस में हम इसका मानी लेंगे डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ठीक हो गया इन द सेम वे जो दूसरी फेज है वो है साइटोकाइनेसिस साइटो का लफज बेसिकली साइटोप्लाज्म को रिप्रेजेंट कर रहा है और काइनेसिस डेफिनेटली मूवमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ठीक है लेकिन माइटोसिस में हम इससे मुराद लेंगे डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अच्छा आज का जो हमारा लेक्चर है ये वाला इसमें हम बेसिकली इंट्रोडक्शन की जिक्र करेंगे कैरियोकाइनेसिस के हवाले से यानी कि डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस के हवाले से अच्छा बात ये होती है कि जो हमारे एनिमल सेल्स होते हैं उनमें न्यूक्लियस के बाहर आपको अपेयर ऑफ ऑर्गेनैली नजर आता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रियोल ठीक है अच्छा ये दो ऑर्गेनैली सॉरी ये अपेयर ऑफ ऑर्गेनैली होता है यानी कि दो सेंट्रियोल होते हैं और दोनों एक दूसरे के बीच में राइट एंगल Uh, यानी कि 90 डिग्री के एंगल पर मौजूद होते हैं न्यूक्लियस से बाहर ठीक है अच्छा अब होता क्या है कि जब एनिमल सेल ये डिसाइड करता है कि उसने माइटोसिस करनी है तो ये जो उसके सेंट्रियोल्स होते हैं आ, वो फॉरन डुप्लीकेट कर जाते हैं ड्यूरिंग द इंटरफेज ठीक है इंटरफेस में जब हम कहते हैं ना कि ऑर्गेनालीस बनते हैं बहुत सारा काम होता है तो उस इंटरफेस के अंदर ही सेंट्रियोल्स जो हैं वो खुद को डुप्लीकेट कर लेते हैं लेकिन अहम बात यह होती है कि दोनों सेंट्रियोल्स जब खुद की एक एक कॉपी बना लेते हैं तो वो रहते सेम सेंट्रोसोम में हैं अच्छा अब ये सेंट्रोसोम क्या होता है बेसिकली जो सेंट्रियोल्स होते हैं वो साइटोप्लाज्म के एक पर्टिकुलर रीजन में मौजूद होते हैं ठीक है अच्छा पेयर ऑफ सेंट्रियोल साइटोप्लाज्म के एक पर्टिकुलर रीजन में मौजूद होते हैं जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं तो जब ये सेंट्रियोल अपना डुप्लीकेट बना लेते हैं अपनी एक एक कॉपी बना लेते हैं तो भी वो उसी जोन में रहते हैं उसी एरिया में रहते हैं यानी कि वो सेम सेंट्रोसोम में रहते हैं तो ड्यूरिंग इंटरफेस सेंट्रियोल्स ने अपनी कॉपी बनानी है और यानी कि आप समझें कि माइटोसिस के, uh, के आगाज़ में सेंट्रियोल सेल के अंदर पेयर नहीं होगा या दो नहीं होंगे चार होंगे लेकिन वो एक

कि जब ये सेल डिसाइड करता है कि उसने डिवाइड करना है तो दोनों सेंट्रिओल्स अपनी अपनी एक कॉपी बना लेते हैं ये देखिए यहां पर दो बने हुए नजर आ रहे होंगे आपको और ये दो जो ब्लू लाइन से मैंने मैंशन किए हैं वो नजर आ रहे होंगे अपनी एक एक कॉपी बना लेते हैं और ये इंटरफेस में बन जाती है लेकिन ये सेपरेट नहीं होते ये एक ही सेंट्रोसोम में, एक ही साइटोप्लाज्म के जोन में मौजूद होते हैं ठीक है जिसको हम कहते होते हैं सेंट्रोसोम तो यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा कलर्ड एरिया बनाया है ताकि मैं आपको ये दिखा सकूं कि डुप्लीकेटेड सेंट्रियोल एक दूसरे से अलहदा नहीं है बल्कि एक ही जगह पर मौजूद है साइटोप्लाजम के जिसको हम सेंट्रोसोम कहते हैं अच्छा अब फॉर एग्जाम्पल ये बन गए एक ही सेंट्रोसोम में मौजूद थे अब सेल ने सोचा कि उसने माइटोसिस में जाना है तो जैसे ही वो माइटोसिस में जाने लगता है ये दोनों के दोनों सेंट्रोज एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं और आ, सेल के ऑपोजिट पोल के पास जो है वो चलने लग जाते हैं यहाँ पर देखें तो एक इस पोल की तरफ जा रहा है और एक इस पोल की तरफ जा रहा है पहले आपको प्रीवियस स्लाइड में हमने देखा था कि यहाँ पर मौजूद है एक ही सेंट्रोसोम में मौजूद है और अब ये ऑपोजिट पोल की तरफ जाने लग रहे हैं ठीक है आ, यहां पे मैं एक दफा फिर दिखा दूँ देखिए सेम सेंट्रोसोम में मौजूद है और यहां पर अगर आप देखें तो ये ऑपोजिट पोल की तरफ जा रहे हैं ठीक है और यहां पर अगर आप देखें तो आपको ये रेड लाइंस भी नजर आ रही होंगी इन्होंने माइटोटिक ऑपरेटर्स बनाने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है ठीक है अच्छा अब क्या होता है कि जब दोनों के दोनों सेंट्रियोल ऑपोजिट पोल पर चले जाते हैं तो फिर इनके बीच में माइटोटिक ऑपरेटस बनता है ये ये जो जितना आपको ये रेड लाइंस नज़र आ रही हैं ये सारे का सारा माइटोटिक ऑपरेटस है ठीक है तो माइटोटिक ऑपरेटस के कितने हिस्से होते हैं इसको थोड़ा सा हम जो है वो डिस्कस कर लेते हैं लेकिन पहले इसकी थ्योरी को देख लेते हैं होता ये है कि जो हमारे सेंट्रियोल्स होते हैं जब वो ऑपोजिट पोल के पास चले जाते हैं तो उनके बीच में माइक्रो ट्यूब्यूल आकर सेट uh, होने लग जाती हैं अच्छा ये जो माइक्रो माइक्रोटेब्यूल होती हैं ये तीन किस्म की होती हैं जो इन दोनों सेंट्र के बीच में सेट होती हैं एक को हम कहते हैं एस्टर जो बाहर की तरफ uh, होता है स्टार शेप समझ लें आप माइक्रो उनको हम एस्टर कहते हैं और जो दोनों सेंट्रिय के दरमियान में मौजूद होते हैं उनमें से जो बिल्कुल सेंट्रल माइक्रो माइक्रोटेब्यूल्स होती हैं उनको हम काइनेटोकोर माइक्रो माइक्रोटेब्यूल्स कहते हैं और जो बिल्कुल पेरिफ्रल uh, एरिया की तरफ आ जाती हैं उनको हम इक्रोटिब्यूल्स कहते हैं ठीक है अच्छा यहां पर मैं आपको एक दफा फिर डायग्राम दिखा दूं आप देखिएगा ये देखिए ये हमारा एक सेंट्रियोल है और ये हमारा एक सेंट्रियोल है और इनके बीच में बना है माइटोटिक ऑपरेटस इस माइटोटिक ऑपरेटस में अगर आप ये देखें तो ये वाली जो माइक्रोटिब्यूल्स हैं ये कहलाती हैं एस्टर माइक्रोटेब्यूल्स ये देखिए मैंने नाम भी लिखा हुआ है एस्टर माइक्रोटेब्यूल्स और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो आपको ये एस्ट्रल माइक्रोटेब्यूल्स यहाँ पर ये यह मैं एरो दिखा रही हूँ ये मौजूद है ठीक है अच्छा अब यहाँ पर देखें ये जो लाइन है इन द सेम वे यहाँ से जो लाइन ओरिजिनेट हो रही है ये जो माइक्रो हैं जो जनरली uh, सेंटर में मौजूद होते हैं जिसमें एक सेंट्रूल से आने वाला माइक्रोटिब्यूल मिल जाता है दूसरे सेंट्रूल की तरफ से आने वाले माइक्रोटेब्यूल के साथ इन दरमियान वाले जो माइक्रो होते हैं इनको हम कहते हैं काइनेटोकोर माइक्रोटेब्यूल्स ठीक है तो हमने दो माइक्रोटेब्यूल्स का जिक्र कर लिया जो बाहर की तरफ शेप ओरिजिनेट होंगे दे आर कॉल्ड एज एस्टर माइक्रोटेब्यूल्स और जो बिल्कुल सेंटर में ओरिजिनेट होते हैं जिसमें माइक्रोटिब्यूल जो एक सेंट्रीओल से आ रहा है वो फाइनली मिल जाता है उस माइक्रोटिब्यूल से जो दूसरे सेंट्रीओल से आ रहा है इसको हम कहते होते हैं काइनेटोकोर माइक्रोटिब्यूल अच्छा जबकि ये जो पेरिफ्रल एरिया में आ रही हैं अगर आप इसको देखें तो एक जो आ रहा है एक सेंट्रीओल से और जो दूसरा आ रहा है दूसरे सेंट्रीओल से वो आपस में मिल नहीं रहे ठीक है ये देखिए मैं एरो की मदद से दिखा रही हूँ ये मिल नहीं रहे बल्कि एक दूसरे को एक किस्म का हल्का सा ओवरलैप कर रहे हैं इसके लिए वर्ड यूज होता है इस ओवरलैपिंग के लिए इंटर नहीं एक को, एक के साथ जोड़ नहीं रहे एक एक दूसरे दूसरे को के साथ हैं, बस एक दूसरे को इंटर डिजिटेट कर रहे हैं। इनको हम कहते हैं पोलर माइक्रोटेब्यूल्स ठीक हो गया तो हमने यहां पर यह देख लिया कि जब सेंट्रियोल ऑपोजिट पुल पर चले जाते हैं तो उनके बीच में माइटोटिक ऑपरेटर्स बनता है जो तीन किस्म की माइक्रोट्यूल पर मुश्तमिल होता है एक जो बाहर की तरफ है जिनको हम एस्टर कहते हैं एक जो दरमियान में है उनको हम काइनेटोर कहते हैं और जो बिल्कुल पेरिफ्रल रीजन में ये थोड़ा सा दरमियान से हटके हैं उनको हम पोलर माइक्रोटेब्यूल कहते हैं और इनकी सबसे बड़ी जो खास बात होती है वो ये होती है कि ये एक दूसरे को टच नहीं करते बल्कि इंटर करते हैं यानी कि एक दूसरे को हल्का सा ओवरलैप हो जाते हैं ठीक है तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर ठीक है अच्छा यहाँ पर भी यही बात है कि पोलर माइक्रोटेब्यूल्स में क्या होता है कि एक सेंट्रियोल से आने वाला माइक्रोटेब्यूल दूसरे सेंट्रियोल से आने वाले माइक्रोटेब्यूल के साथ अटैच नहीं होता बल्कि इंटरडिजिटेट कर देता है ओवरलैप कर देता है अच्छा अब यहाँ पर हम आ, थोड़ा सा देख लें कि जो माइटोटिक ऑपरेटस बनता है इसमें हम कह रहे हैं कि माइक्रोटेब्यूल्स आ रही हैं आ, तीन किस्म की माइक्रोटेब्यूल्स हैं इनकी केमिकल कंपोजिशन क्या होती है अच्छा माइक्रोटेब्यूल्स बेसिकली आ, दो चीजों के बने हुए होते हैं एक है ट्यूबुलिन प्रोटीन और दूसरे होते हैं आर के चंद ट्रेसिस ठीक है यानी कि केमिकली दे आर मेड ये दो चीजों के बने हुए हैं एक है ट्यूबुलिन प्रोटीन और दूसरे हैं आर एन ए ट्रेसिस ठीक है या आर एन की थोड़ी सी मिकदार अच्छा अब ये जो माइटोटिक ऑपरेटर्स है न इसको हमने समझे कि इसके दो हिस्से होते हैं यहाँ पर मैंने फॉर्मूला भी बनाया हुआ है कि माइटोटिक ऑपरेटर्स में दो चीजें शामिल होती हैं एक है एस्टर और दूसरा है स्पिंडल ठीक हो गया अच्छा थोड़ा सा देख लेते हैं कि माइटोटिक ऑपरेटर्स को मैं क्या कह रही हूँ थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ताकि डायग्राम की मदद से चीज़ भी अच्छे तरीके से हमारी क्लियर हो जाए ये देखिएगा जो हमारा माइटोटिक ऑपरेटर्स में उसमें दो चीजें शामिल हैं एक ये एस्टर माइक्रोटिब्यूल्स ठीक है दोनों तरफ के एस्टर शामिल है और दूसरा है ये वाला हिस्सा ये जो ये वाला हिस्सा होता है इसको हम कहते हैं स्पिंडल जो सेल के सेंटर में या अतराफ में मौजूद होता है ठीक है तो माइटोटिक ऑपरेटर्स में एस्टर और स्पिंडल दोनों चीजें शामिल हैं। अब देखते हैं कि स्पिंडल किसको कहते हैं वैसे मैं आपको यहां से ही दिखा दूं कि स्पिंडल जो होता है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होता है एक है काइनेटोकोर माइक्रोटेब्यूल्स और दूसरा होता है पोलर माइक्रोटेब्यूल्स। तो चलिए चलते हैं फार्मूला को दोबारा देखते हैं ये फार्मूला जो है ये मैंने खुद ड्राइव किया हुआ है अच्छा ये देखिएगा माइटोटिक ऑपरेटर्स है जी एस्टर प्लस स्पिंडल और स्पिंडल जो है वो मुश्तमिल होता है काइनेटोकोर कोर माइक्रोटिब्यूल्स पर जो लगभग दोनों सेंट्रूल से आने वाली माइक्रोटिब्यूल मिल जाती हैं और दूसरा पोलर माइक्रोट्यूल के ऊपर तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप जरूर जहन में रखिएगा अच्छा माइटोटिक ऑपरेटर्स अभी आपने डायग्राम में देखा था कि न्यूक्लियस छोटा हो जाता है और जब माइटोटिक ऑपरेटर्स मुकम्मल स्टेब्लिश होता है तो ये जनरली न्यूक्लियस से बड़ा होता है माइटोटिक ऑपरेटर्स का मकसद ये होता है कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल के साथ अटैच हो सकें और फिर हम उनको बेसिकली uh, क्या करते हैं कि एक मरहला ऐसा आता है जिसमें हम उनको एक बिल्कुल सीध में कर देते हैं क्रोमोसोम्स को स्पिंडल की uh, सीध में कर देते हैं और वो एक लाइन बना लेते हैं तो यानी कि उनको अलाइनिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है उनको सीधा करने के लिए भी इस्तेमाल होता है यानी कि एक लाइन में रखने के लिए क्रोमोसोम्स को इस्तेमाल होता है तो ये uh, दो काम कर करे एक तो अटैच करवा रहा है दूसरा उनको सीधा लाइन में रख रहा है तीसरा क्या हो रहा है कि ये इंश्योर करता है हंड्रेड परसेंट यकी बनाता है कि क्रोमोसोम्स जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो और नए डॉटर सेल्स में जो है वो इक्वली जाएं तो माइटोटिक ऑपरेटर्स इस लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है किसकी वजह से क्रोमोसोम अटैच होंगे स्पिंडल के साथ एक लाइनअप होंगे और उसके बाद उनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगी डॉटर सेल्स में केरियोकाइनेसिस जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है एक लंबा प्रोसेस है तो हमने इसको डिफरेंट सब फेजिज में तकसीम किया है एक है प्रोफेज दूसरी है मेटाफेज तीसरी है एनाफेज और जो लास्ट वाली होती है वो होती है टीलो फेज ठीक है फॉर द टाइम बिंग जो है वो हम आ, यही हमारा इंट्रोडक्शन है आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे और इन नेक्स्ट लेक्चर में ये जो सब फेजेज हैं इनकी डिटेल देखेंगे फॉर द टाइम बिंग अला हाफेज